तो दोस्तों 2018 की वेनम मूवी के हिट होने के बाद इसका दूसरा पार्ट आना तो तय था। और अच्छी बात ये है कि इसके सीक्वल में भी सिम्बियोट्स की ही कहानी आगे बढ़ाई गई, जहां हमें मार्वल कॉमिक्स का सबसे खतरनाक सिम्बियोट नजर आया। कार्नेज का जन्म हुआ है वेनम से, लेकिन वो वेनम से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसका होस्ट एक बहुत बुरा आदमी है, जिसकी स्टोरी हमें इस मूवी में दिखाई गई है। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। इस मूवी की स्टोरी पिछले पार्ट के 1.5 साल बाद की है। वेनम सिम्बियोट और एडी ब्रॉक अब तक एक साथ एक ही शरीर में रह रहे थे, पर उन दोनों में फिलहाल काफी अनबन चल रही थी, क्योंकि वेनम खुल के जीना और बुरे लोगों को मारकर खाना चाहता था, लेकिन एडी इसके लिए राजी नहीं होता और वो वेनम को अपने अंदर ही दबाकर रखता है। इसी बीच एक दिन एडी को एक क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने बुलाया जाता है, जिसका नाम था क्लीटस कैसेडी। कैसेडी एक सीरियल किलर था जिसने अब तक कई लोगों को मारा था और उसने उनकी लाशें कहीं छुपा दी थी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि उसने किस किस को मारा है और उन्हें कहां छुपाया है, पर कैसेडी अपना मुंह नहीं खोल रहा था और वो सिर्फ एडी ब्रॉक से ही बात करना चाहता था, क्योंकि क्लीटस की पर्सनल लाइफ थोड़ी बहुत एडी के जैसी थी, इसीलिए वो उसे दोस्ती करना चाह रहा था। फिर जब एडी उसका इंटरव्यू लेने आता है, तब कैसेडी उसे बोलता है कि अगर वो उसकी बातें सुनेगा तो वो अपने सारे राज उसे बता देगा, लेकिन एडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वेनम की मदद से कैसेडी की बनाई हुई सभी ड्राइंग्स को समझ लेता है और उससे ये पता लगा लेता है कि कैसेडी ने लोगों की लाशें कहाँ छुपाई है। इसकी वजह से एडी का करियर बहुत आगे बढ़ जाता है और कैसेडी को मौत की सजा हो जाती है, जिससे वो एडी से नफरत करने लग जाता है। फिर क्लीटस अपनी सजा के कुछ दिन पहले एक आखिरी बार एडी को मिलने के लिए बुलाता है और जब एडी जाकर उससे बात करता है, तब कैसेडी उसे बहुत बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो कैसेडी पर हमला कर देता है। तभी कैसेडी एडी के हाथ पे काट लेता है और क्योंकि उस वक्त वेनम सिम्बियोट एडी के शरीर में था, इसीलिए कैसेडी के उसे काटते ही सिम्बियोट का एक हिस्सा उसके पास चला जाता है और वो कैसेडी के शरीर में बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वेनम काबू से बाहर हो गया था। इसी वजह से एडी उस सिम्बियोट को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है और तब वेनम भी खुशी खुशी एडी से अलग हो जाता है और वो दूसरे लोगों के शरीर पे कब्जा करके आजादी से घूमने लगता है। उधर कैसेडी की सजा का दिन आ जाता है और उसे मारने के लिए एक जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन उस इंजेक्शन के लगते ही कैसेडी के अंदर का वो सिम्बियोट जाग जाता है और वो बाहर निकलकर उसके पूरे शरीर को घेर लेता है, जिससे कैसेडी एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि वेनम से भी ज्यादा ताकतवर था। क्योंकि कैसेडी और उस सिम्बियोट की बॉन्डिंग एडी और वेनम से भी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए वो बहुत खतरनाक बन गया था। फिर वो मॉन्स्टर उस जेल में बहुत तबाही मचाता है और वो सभी गार्ड्स को मार के और कैदियों को आजाद करके वहाँ से भाग जाता है। क्लीटस उस सिम्बियोट का नाम रखता है कार्नेज, और कार्नेज वेनम और एडी को मारना चाहता था, क्योंकि सिर्फ वो दोनों ही उनके लिए खतरा थे, जिन्हें मारने के बाद कार्नेज अकेला इस दुनिया पे राज कर सकता था। लेकिन वेनम को मारने से पहले कैसेडी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था। बहुत साल पहले कैसेडी जब छोटा था, तब उसकी खराब मानसिक स्थिति की वजह से उसे एक खास स्कूल में रखा गया था, जहां उसकी मुलाकात फ्रांसिस बैरिसन नाम की एक लड़की से हुई थी, जिसके पास तेज आवाज निकालने की शक्ति थी। फ्रांसिस भी कैसेडी के जैसी पागल और खतरनाक थी, इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। पर बाद में फ्रांसिस को उस स्कूल से निकालकर रेवन क्रॉफ्ट नाम के एक सीक्रेट मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया। तब से कैसेडी और फ्रांसिस बिछड़ गए थे, लेकिन उनका आपस में प्यार कम नहीं हुआ था और वो दोनों कई साल से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब कैसेडी कार्नेज की मदद से फ्रांसिस को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एडी को ये पता चल जाता है कि कैसेडी जेल से भाग गया है और वो एक मॉन्स्टर बन गया है, तो इससे वो ये समझ जाता है कि कैसेडी को उसी की वजह से एक सिम्बियोट मिला है। और क्योंकि कैसेडी को एडी की वजह से मौत की सजा हुई थी, इसीलिए उसे ये डर सता रहा था कि कैसेडी उससे बदला लेने आएगा। और फिलहाल एडी के पास अपने बचाव के लिए वेनम भी नहीं था, इसीलिए वो वेनम की तलाश शुरू कर देता है और वो ये भी समझने की कोशिश करता है कि कैसेडी की अगली चाल क्या होगी। उधर कैसेडी ये पता लगा लेता है कि फ्रांसिस को रेवन क्रॉफ्ट में कैद रखा गया है, इसीलिए वो वहाँ पहुँच जाता है और वो कार्नेज की मदद से फ्रांसिस को आजाद कर देता है। इसी दौरान जब फ्रांसिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, तो इससे कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है
क्योंकि तेज आवाज सिम्बियोट्स की कमजोरी थी। फिर कैसिडी और फ्रांसिस उस जगह को तबाह करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी बचपन वाली स्कूल में जाते हैं और अपने पागलपन के चलते वो उस जगह को आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक मलिगन नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जो कि फिलहाल क्लीटस कैसिडी का केस संभाल रहा था, वो एडी को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि ऑफिसर मलिगन को लग रहा था कि एडी का कैसिडी से कोई कनेक्शन है और कैसिडी अभी पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। इसीलिए उस तबाही को रोकने के लिए पुलिस वाले एडी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करते हैं। तब एडी एक लॉयर को बुलाता है, जो थी उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड एन वेइंग। असल में एडी को अभी वेनम की जरूरत थी, पर वो उसे ढूंढने नहीं जा सकता था, इसीलिए वो एन को पूरी सच्चाई बताकर उसे वेनम को ढूंढने बोलता है। और तब एन अपने नए बॉयफ्रेंड डैन के साथ मिलकर वेनम को ढूंढ लेती है और वो खुद वेनम का रूप लेकर जेल तोड़ के एडी को आजाद करा देती है। फिर वेनम एडी के पास आ जाता है और वो दोनों मिलकर कैसिडी और फ्रांसिस की तलाश में लग जाते हैं। उधर क्लीटस और फ्रांसिस अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और वो अपनी शादी में तीन लोगों की बलि चढ़ाने वाले थे, जिसमें से दो लोग तो एडी और वेनम थे और तीसरा आदमी था पैट्रिक मलिगन। कई साल पहले ऑफिसर मलिगन के हाथों फ्रांसिस को गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी एक आंख फूट गई थी। तब से फ्रांसिस पैट्रिक मलिगन की दुश्मन बन गई थी और अब वो उससे बदला लेने वाली थी। इसीलिए कैसिडी और फ्रांसिस एडी, वेनम और मलिगन को ढूंढना चालू कर देते हैं। इसी के चलते कार्नेज को ऑफिसर मलिगन मिल जाता है, जिसे वो पकड़ लेता है। और जब फ्रांसिस एडी की तलाश में उसके घर जाती है तो वहाँ उसे एडी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे एन की फोटो दिख जाती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस एन के पास जाती है और उसे किडनैप कर लेती है, ताकि एन को बचाने के लिए एडी और वेनम सामने आ जाए। फिर डैन और एडी एन को बचाने उस चर्च में जाते हैं जहाँ क्लीटस और फ्रांसिस की शादी हो रही थी। वहीं पर पैट्रिक मलिगन भी कैद था। फिर एक तरफ फ्रांसिस मलिगन को मारने लगती है और दूसरी तरफ वेनम और कार्नेज की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कैसिडी और कार्नेज मिलकर एडी और वेनम पे बहुत भारी पड़ते हैं। इसी बीच जब फ्रांसिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है तो कार्नेज उसकी आवाज से परेशान होकर फ्रांसिस का दुश्मन बन जाता है, जिसकी वजह से कैसिडी और कार्नेज की बॉन्डिंग कमजोर होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एडी और वेनम को हरा देते हैं और फिर कैसिडी एडी को तड़पाने के लिए एन को मारने के पीछे पड़ जाता है। तब फ्रांसिस कैसिडी को समझाने की कोशिश करती है कि अब वो ये तबाही रोक दे, लेकिन इससे कार्नेज को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फ्रांसिस को मारने लगता है, जिससे कैसिडी और कार्नेज का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एडी और वेनम कार्नेज पे हमला कर देते हैं और एन को बचा लेते हैं, लेकिन कार्नेज अब तक हारा नहीं था। वो फिर से वेनम से लड़ने लगता है। तब एडी और वेनम फ्रांसिस को उकसाकर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलवाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा चर्च तबाह हो जाता है और क्लीटस और कार्नेज अलग हो जाते हैं। और तब वेनम कैसिडी से अलग हुए सिम्बियोट को खा जाता है और उसे अपने शरीर में समा लेता है। फिर वो कैसिडी को भी मार डालता है। उस चर्च की तबाही में फ्रांसिस भी मर गई थी, लेकिन उधर मलिगन पे जानलेवा हमला होने के बावजूद भी वो अब तक जिंदा था, क्योंकि उसकी बॉडी में भी अब एक सिम्बियोट आ गया था। इस सब के बाद एडी शहर छोड़कर एक आइलैंड पर चला जाता है, क्योंकि उसने जेल से भागकर कानून तोड़ा था, इसीलिए पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे थे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि एडी और वेनम अपने यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा जादू किया था जिससे स्पाइडरमैन को जानने वाले सभी लोग उस दुनिया में आ गए थे। और क्योंकि हर सिम्बियोट मल्टीवर्स के दूसरे सिम्बियोट के दिमाग से जुड़ा हुआ था, इसलिए वेनम को ये मालूम था कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, जिसकी वजह से उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू काम कर गया। और क्योंकि एडी उस वक्त सिम्बियोट से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो भी वेनम के साथ उस यूनिवर्स में पहुंच गया। लेकिन क्योंकि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में रहता था और एडी मेक्सिको में था, इसीलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा अपना जादू करते हैं तो उससे दूसरे यूनिवर्स के सभी लोग वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। पर एडी के वापस जाने के बावजूद भी वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा हिस्सा उसी यूनिवर्स में रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी वेनम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking.
no time for